व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा, मिक्स पकोड़ा। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप बेसन मैंने लिया है, धनिया पत्ते चॉप किया है, बंदा गोभी, मिर्चा, करिया पत्ता और प्याज और स्वाद अनुसार नमक और तिल थोड़ा सा देंगे इसमें, अजवाइन और ऑयल आपको लगेंगे। इसलिए बेसन में नमक दिया, उसके बाद तिल, रोस्टेड भी ले सकते हैं आप अगर, अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन दीजिएगा, उसके बाद पानी देखे धनिया पत्ती, प्याज, दो प्याज है ना बराबर। आप इसको चाय के साथ शाम को खा सकते हैं या फिर कोई मेहमान आए तो आप दे सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें बंदा गोभी दिए, मिर्चा, करी पत्ता, उसे अच्छे से पानी दे देंगे इसको। देख रहे हैं आप लोग ऐसे कैसे मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई गैस ऑन कर दिया है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ऑयल, अच्छे से आपको मिक्स करना पड़ेगा इसको। तेल को आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा, हाथ देखे तेल गर्म है कि नहीं। इसके बाद आप लोग इसमें बैटर आपका ऐसा रहेगा, चेक करिएगा। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए। बहुत ज़्यादा ऑयल को मत गर्म कीजिएगा नहीं तो आपके पकौड़े जल जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप ऐसे करके इसको देख लीजिए, पकौड़ा पलट के पलट लीजिए, नहीं तो नीचे जल जाएगा आपका पकौड़ा। चेक कर लीजिए, दूसरे साइड पलट लीजिए इसको। गैस का फ्लेम लेकिन आप लोग हाई फ्लेम पे रखिएगा, मीडियम मत कीजिएगा या फिर कम भी मत कीजिएगा, अच्छे से तब पकौड़ा तलेंगे ना। ऐसे सुना है आप लोग को जब पकौड़ा हो जाएंगे तो इसको आप लोग ऑयल से निकाल लीजिए। गैस का फ्लेम लेकिन ज़्यादा ही रखिएगा नहीं तो पूरा ऑयल पकौड़ा के अंदर ही चल जाएगा। हो गया मेरा पकौड़ा रेडी, दूसरी बार आप जब पकौड़ा तलेंगे तो थोड़ा गैस का फ्लेम को कम कर लीजिएगा। अभी मैंने गैस का फ्लेम ज़्यादा कर लिया है क्योंकि अभी पकौड़े नहीं तो अच्छे से तलेंगे नहीं, फ्राई ज़्यादा अच्छे से नहीं हो। दोबारा जब मैंने पकौड़े फ्राई कर रही थी दूसरे सेट भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इस पकौड़ों को भी निकाल ले रही हूँ। रिवर्स हो गए मेरे पकौड़े, अभी मैं इसको
तो हो गया मेरा, देखिए सर्व करना हो गया। कितने अच्छे लग रहे हैं, इसके खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी पूरी अच्छे से तरह से समझ में आए। और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। बाय बाय व्यूअर्स।